फाइनली मेरी बारी आ गई और ये गलती से थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी ना उस दिन खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, यू नो हजम नहीं होती है तारीफ। रात को आधे घंटे में बैठ के मैंने सारा छापा। अजय मैं भी हूँ, हम लोग तो इसीलिए प्रिंट नहीं निकलवा सके, ये बाकी इतनी रश क्यों थी, इतनी रश थी। आशा करो सादिया फातिमा एमन ये देखा छाओ में भी कैसे स्किन आ रही है, अच्छी आ रही है। बोलूं कि सांस चढ़ गया है। ओके गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी यूनिवर्सिटी में और अभी हम लोग बनाने लगे हैं रील, तो उसकी तैयारी चल रही है। ये देखें, ये दिखाओ अपना हाथ, दिखाओ। हाँ गाइस अभी ये मेरे हाथ देख सकते हैं, लिख लिख के गंदे हो गए हैं। अभी हम लोग रील शूट करने लगे हैं, यूनिवर्सिटी में हम लोग यही करने आते हैं, पढ़ाई का तो हमारा दिल करता नहीं है, तो अभी हम लोग रील बनाने लगे हैं। पोस्टर कलर्स पड़े हुए, मैं भी अपने हाथ तक। फाइनली मेरी भारी आ गई और ये पोस्टर कलर के अंदर पौधा क्यों डाला हुआ है? तो बहुत अमीर है ना गुप्ता, ये बी कैसा डुंडा खराब लिखा है क्या यहाँ से? बहुत खराब लिखा है, नीचे से देख, बी को देख, बी ऐसे होता है, तो ऐसे ही होता हमारे यहाँ पे। मैं खुद लिख लेती हूँ, तो लिख ले फिर, पकड़ ले फोन, देखना अच्छे से बनाओ वीडियो। सारा खराब कर दिया गाइस इसने। फाइनली हम लोगों ने लिख लिया है, कहा है मेरा बैच 20, सारा उल्टा आ रही है। अच्छा अभी अभी कुछ लड़कियां रहती हैं, हम उनका भी लेंगे, देन हमारी रील का। ओके मेरा भी अभी यहाँ पे बन रही है स्नैप। मैं भी उल्टा रखो, अब आशा से पलटा स्टार्ट करेंगे, पहले आशा फिर मैं फिर ये, ठीक है? रेडी 1 2 3 आशा करो। सादिया फातिमा एमन नहीं बनी आशा, यार मेरा बैग कहाँ है? ओके गाइस तो हमारी आधी रील शूट हो चुकी है और अभी हम लोग साइड में। हाँ हमारा प्रोजेक्ट है ये, हमारी मैम ने हमें दिया है कि आपने ये इस सेमेस्टर में शूट करनी ही करनी है। मार गाइस सच ना समझ लेना। आज हम अभी कुछ लड़कियों को ढूंढने जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ, आज वो ना जिनको ढूंढने जा रहे हैं वो दूर से दिखेगा, क्योंकि उन सबका जो थीम है ना वो कलर उन्होंने रखा हुआ है येलो, लड्डू पीला कलर। यार उस साइड पे होंगे ना। खैर गाइस मैं आप लोगों को अपने कर्ल्स दिखाती हूँ, आज ये मैंने सुबह सुबह किए और थोड़े अच्छे हो गए हैं। उस साइड में वो लोग, मुझे भी लग रही है फातिमा ब्लॉक ये है ना। हाँ तो उस साइड भी तो फातिमा ब्लॉक ही है, साइड है वो लोग। इधर आजा, मत यहीं हो, फिर दोबारा आना पड़े। नहीं हो यार। हे गाइस ये देखे मेरे आज कल, यार मेरे आज कल अच्छे हुए हैं ना। जल्दी करो क्योंकि अभी मेरा भी है फाइल। जिस दिन गलती से थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दी ना उस दिन खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, यू नो हजम नहीं होती है तारीफ। खैर गाइस चलते हैं, अभी मैं आप लोगों को अपना हाथ दिखाती हूँ, कैसे दिखाऊँ, ये दूसरे वाले हाथ पे मैंने लिखा बैच 20। मी शो यू माय हैंड, कितना गंदा लिखा है, मैंने खुद लिखा है और इतना गंदा लिखा है। हे गाइस अभी हम लोग यहाँ पे हैं, ये आपने लोकेशन देखी होगी मेरे शूट में, बेस्ट लोकेशन है हमारी यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे पिक्चर्स होंगे और क्या कमाल आती है गाइस। खैर अभी ये लोग शूट कर रहे हैं, इनका शूट हो जाए तो देन हम लोग अपनी रील कंटिन्यू करते हैं। क्या यार ये ढूंढ के लाएगी सुगुप्ता, ढूंढ के लाएगी ढूंढा, इसको पढ़ते हैं सारे आर्टिस्ट हैं। अजय मैं भी हूँ, फातिमा दी आर्टिस्ट हो गया, ओ ये डन हो गया, क्या करूँ मॉडल किधर रहा, एक मिनट एक मिनट, मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, इधर है ना मैं। मैं किसको कह रही हूँ टकरे ना वाला काम, ये हमारा प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ से लोग, दूसरी तरफ से ज्यादा अच्छी आती हूँ, अरे सारी तरफ से ला रही, मैं आमला का देख रही हूँ, आमला किस एंगल में ना यार भाई, लोगों की साइड्स का ध्यान रखना आप लोगों ने, बहुत जरूरी है। ये बताएगी मुझे कहाँ मंगाना है, काम हो रहा है। तो हम लोग रील बना के आ चुके हैं और आप इसको रिमूव करने जा रहे हैं, गंदा से उसी साइड के नीचे आएंगे गाइस, क्लास में नहीं जा रहे हैं अमीर है रिच पे, पर यू नो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं प्रिंट निकलवाने, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आओ तो जाहिर सी बात है पढ़ना भी तो होता है, क्या दिखाऊं मोबाइल तो मेरे पैसे दिखाओ यार। एक तो ये
इसने मुझे तंग किया हुआ है। आप लोगों को मैं अपने हाथ दिखाती हूँ, ये देख गंदे हो गए हैं, है इसको भी रिमूव करेंगे और फिर निकलवाएंगे, देन हम क्लास में जाएंगे। मुझे लगता है सर आ चुके होंगे, क्योंकि हमारी 9:30 क्लास थी और अभी टाइम हो गया है 9:40। चलते हैं, हम लोग नीचे से खुवारी करके आए हैं। एमन पता नहीं रील्स बना रहे थे, हम लोग तो इसीलिए प्रिंट नहीं निकलवा सके, ये बाकी इतनी रश क्यों थी, इतनी रश थी, इतनी मुश्किल से हमने ये प्रिंट निकलवाया। अब हम यहाँ पे धोएंगे हाथ, मुझे ये गीला हो गया है, पकड़ कड़ी मूव करते हैं। ये हमारा जो पानी है ना बहुत स्लो है, वो उसके तरह लाइव है बब्दी तुम्हारा सा। हाय गाइस, इसको यहाँ पे रखते हैं। उतर तो रहा है, और कैसे उतरे? तुझे क्या है? तभी मैं कहूँ क्यों, गाइस येलो वाला तो उतर गया, अंदर ये देखें, ये 20 नहीं उतरा है, दो नंबर येलो वाला दो नंबर था, जल्दी उतर गया शूफ्ता की तरह। ओके तो इधर तो अपना स्टॉल में हाथ साफ कर, क्यों जीरो शॉर्ट अप, हाँ जीरो क्यों आएंगे, हमने अब ये तो नहीं बोल सकती हूँ मैं खुद लिखी है, लिखी तो बल्कि खुद ही है, मैं सर को ये कहूंगी ओए बात सुन मेरे पास एक वो है, मैं सर को ये कह सकती हूँ कि सर मैंने खुद लिखी है, टाइप की है मैंने, मैं सोचो स्पेलिंग की फिर देखें अपने अपने झूठ को छुपाने के लिए मैं क्या कह रही हूँ कि यार मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने खुद टाइप की है। खैर अभी हम क्लास में जा रहे हैं गाइस, हाँ जी हमारी कुर्सियां सेट हो रही है, अगेन हमें एक और सर ऐसे मिले हैं जो कि कुर्सियां टिक कर रहे हैं, अभी हमारी ग्रुपिंग हो रही है और सर का हमारा ग्रुप है ए पॉजिटिव नहीं, आज हम लोग पढ़ नहीं सकेंगे, आज हमारी क्लास में यही फूमल लगा रहेगा, खैर अच्छी बात है पढ़ते हुए हमें वैसे भी। सर ने हमें कहा था स्क्रिप्ट लिख के लेके आना, और हम जो स्क्रिप्ट लिख के ले गए ChatGPT से, मुझे पता ही नहीं था ChatGPT खुद कहीं से कॉपी करके लिख के दे रहा मुझे। हाँ तो क्या हो गया, ChatGPT हमारे लिए जो है हमारी मदद करने के लिए, और हमें वो स्टोरी पता भी नहीं है, मैं सर को कहूंगी रात को आधे घंटे में बैठ के मैंने सारा छापा है, बट मैं सर को ये कह सकती हूँ कि मैंने खुद लिखा है, मैंने टाइप किया है, कॉपी पेस्ट नहीं, इसमें सारा कॉपी पेस्ट किया। मैं सर को बोलूंगी सर जो मैंने नॉवल से इंस्पिरेशन लिया है वो है द काइट रनर, ये नॉवल है मैंने पढ़ा है, आगे मैंने बताएंगे। मुझे जो आइडिया मिला था ChatGPT से मेरा, वो इससे मैंने तो अपना नॉवल अपनी स्टोरी खुद ही नहीं पढ़ा, मैंने भी पढ़ी है, मुझे बस ये पता कि मेरी स्टोरी फ्रेंडशिप पे है। सर हमारी स्क्रिप्ट में सस्पेंस है, ये है कि फ्रेंडशिप पे ये है कि जो चार लोग होते हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर इकट्ठे रहते हैं, बस ये पता है तुम्हारे बारे में, हर जगह की रिपोर्ट की वो म्यूजिक वीडियो याद आ गई, मैं वो सुना दूंगी स्टोरी अगर कुछ सुना तो बहुत सी अल्लाह को मर जाती है, मर गए गाइस अभी हम लोग हमें पनिशमेंट नहीं मिली, आप ये नहीं हमें सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया, बहुत अच्छा काम है भाई, ये थी हमारी असाइनमेंट। मैं देखो एमन लोग खड़े होकर क्लास को बता रही है, और हमारा आधा ग्रुप यू नो सबको पूरी डिटेल बता के आएगा कि हमने हम क्लास से क्यों आए हैं। हमें सर कहते हैं कि आप लोग डिस्कस करना चाहें आइडिया तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो बाहर से कहा नहीं सर हम बाहर जाके करेंगे, क्लास में बहुत शोर है। गाइज हमारी क्लास बिल्कुल इधर है, मैं यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही हूँ। खैर मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि हमारा जो आइडिया है वो सिलेक्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं डिबेट का, हमारा आइडिया सिलेक्ट है, डिबेट की जरूरत ही नहीं है हमें, तो गाइज अभी हम लोग बनाने लगे हैं री इंस्टाग्राम के लिए, यू नो वो भी बहुत जरूरी है। ओके गाइज तो हमारी क्लास खत्म हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ, और आज का जो सब कुछ था गंदा बन गया। ओके गाइज तो हम लोग क्लास लेके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, और आई डोंट नो आज ये मेरी स्किन क्यों इतनी प्यारी लग रही है, खैर रमजान का नूर होगा गाइज, रमजान के महीने में स्किन चमक जाती है, धूप भी है छांव में भी जाऊंगी बाकी स्किन ऐसी लग रही है, रमजान का नूर होता है।
क्योंकि आप लोग रोजे रखते हो और अच्छे काम करते हो और रफ्तारी के बाद खैर छोड़ा। अच्छा काम किया तूने आज रील बनाने का, गाना गाने वाली थोड़ी रील थी बाद में। ये देखा छाव में भी कैसी स्किन आ रही है, अच्छी आ रही है। गाइस अभी हम लोग चलेंगे बस की तरफ और आज का व्लॉग खत्म करेंगे यहीं पे, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और दूसरी बात, वो जो हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो मैं इतने दिनों से बता रही हूँ कि हम लोगों का कुछ स्पेशल आएगा आएगा आएगा, वो फाइनली जुमरात को नहीं, आई थिंक सो जुम्मे को हम लोग उसके लिए हमारा जो फाइनल प्रोसेस है ना वो फ्राइडे को स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग को इंस्टा पे अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस आज हमारी बस चल भी आ गई, देख सकते हो बिल्कुल खाली है, मैंने पीछे से देख लिया था तो मैं भाग भाग के आना, मैंने कहा जगह ही ना मिले। खैर आज हमारी बस बिल्कुल खाली है, देख सकते हैं। हाँ और ऐसा इस बार दूसरी बार हुआ यार, मैं सुबह की बस में बैठ के आई हूँ यार, इस सेमेस्टर में मैं पहली बार बैठ के आई हूँ। वो भी हमारी बस आज चेंज हो गई थी तो वो बिल्कुल खाली थी। दूसरी बस में इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आपकी उतरते तक हालत और खराब हो जाती है। फिर बोलूँ कि सांस चढ़ गया। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।